एक आपको एक ऐसी फनकारा से मिलाते हैं ताकि आप उनकी आवाज़ से महसूस हो सकें। जब भी मैं फनकारा का नाम लेता हूँ, हॉल में बैठे हुए हजरात हैं, उनके चेहरे में एक दिलकश मुस्कुराहट आ जाती है। गोकर्ण के बराबर में उनकी मिसेज बैठी हैं, लेकिन वो फिर भी हल्के से मुस्कुराते ज़रूर हैं। बीवियों के बराबर में बैठा हुआ इंसान बिल्कुल ऐसा है जैसे फौजियों के बराबर में बैठा हुआ सियासतदान। बीवी के बराबर में बैठा हुआ शौहर बिल्कुल ऐसा है जैसे इसराइली के बराबर में फलस्तीनी बैठा हो, डरा हुआ, सहमा हुआ, बहियों ना बेचारों के चेहरे पे नरगिस आए तो पता नहीं चल रहा, अनवर रफी आए तो पता नहीं चल रहा, एक ही एक्सप्रेशन। ये सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये इस हालात का बहुत शिकार रहे हैं और आज अकेले आए इसीलिए एंजॉय करने के लिए। तो बीवियों के साथ बैठ के आदमी एंजॉय तो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी वो एक प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मैं आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बतों में, आपके प्यार में जिस फनकारा को बुलाने लगा हूँ, हमारे पाकिस्तान में यूं तो बेशुमार फनकार आए हैं और हैं, लेकिन मैडम नूरजहां एक ऐसा नाम है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हम जितना भी कहें मैडम के लिए कम है। मैडम जैसी फनकारें पैदा नहीं होती, ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे हिस्से में आई और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारी और पाकिस्तानी हुई। इस वक्त दलील है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। मैं जिस फनकार को बुला रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी खातून को आइडियल बनाया तो वो मलका नूरजहां। जैसा कि लता ने भी कहा, लता मंगेशकर साहब ने फरमाया कि मैं नूरजहां को देख कर मैंने गाना सीखा है उनको सुन करके, और यही उन्होंने मेहदी हसन के बारे में कहा कि इनके गले में भगवान बोलते हैं, और यही बात उनकी बहन आशा भोसले अजीज भी अकेले कही कि इनके गले में शैतान बोलते हैं। उस प्यारे साथियों, अब मैं जिस फनकारों को बुलाने लगा हूँ, उन्होंने सारी ज़िंदगी मैडम के फन को खराज अकीदत पेश किया, और जब वो टेलीविज़न पर आई उन्होंने अपने बेशुमार गीत गाए, फिर आलियों की सीट में आई उनके बेशुमार आलियों नंबर हिट हुए, उसके बाद वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई बेशुमार गीत गाए। मैडम की समझ लीजिए शागिर्द भी हैं, उनकी बहुत बड़ी मदा भी हैं। हमारे इस प्रोग्राम में अमेरिका के शोज में पहली मरतबा तशरीफ लाई हैं। मैं चाहूँगा अपनी बहुत ही मोहब्बत भरी तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ ला रही हैं आपकी भरपूर तालियों में प्लेबैक सिंगर ज़रा।